ओम शांति गुड इवनिंग तो आज हम सुनेंगे दादी प्रकाशमणि जी का अनुभव तो ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि के संग के अपने अनुभव सुनाती हैं कि बचपन से ही मैं रोज श्री कृष्ण की पूजा करती थी छोटेपन से ही मन में यह रहता था कि मैं मीरा बनूं। तो टाइटल है मुझे मुरलीधर की मीरा बनना ही था तो मैं मीरा की कहानी जानती थी हमारे घर के पास ही राधे कृष्ण का मंदिर था सुबह और शाम को मंदिर में जाकर पूजा जरूर करती थी शाम के समय मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को जुलाना सुलाना मेरा नित्य का नियम रत, नियम था मुझे श्री कृष्ण से बहुत प्यार था और पूजा भी बहुत प्रेम से करती थी मुझे लगता था कि श्री कृष्ण और श्री राधे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं मैं रोज भागवत पढ़ती थी आप लोग जानते होंगे कि सिंधी लोग सुखमणी और ग्रंथ साहब को मानते हैं उस समय स्कूल में धार्मिक पीरियड होता था। उसमें गुरु ग्रंथ रामायण महाभारत आदि पढ़ाते थे स्कूल में उनको सुनने और पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता था मुझे याद है कि रिलीजियस पीरियड में मैं हमेशा नंबर वन आती थी और 65 से 70 परसेंट तक मार्क्स लेती थी मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार रहता था मैं स्कूल में सदा पहला या पहला दूसरा या तीसरा नंबर लेती थी इसमें इससे कम नंबर कभी नहीं लिया इसलिए स्कूल में टीचर्स भी मुझे बहुत प्यार करते थे खेल कूद में बहुत कम समय देती थी उसमें मुझे रुचि कम थी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी घर में मैं मेरी मम्मी और पापा ही थे मुझे बाहर घूमना सहेलियों के साथ गपशप मारना बाजार की चीजें आदि खाने का शौक पहले से ही नहीं था सहेलियां थी लेकिन पढ़ाई के नाते बाकी व्यर्थ समय गवाने की दोस्ती किसी से भी नहीं थी लौकिक माँ बाप भी अच्छे संस्कार वाले थे सत्संग धार्मिक कार्यों आदि में रुचि लेने वाले थे इसलिए मेरे संस्कार भी बचपन से अच्छे ही थे मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी चंचलता की हो और मां बाप ने मुझे थप्पड़ लगाया हो गुस्सा किया हो मैंने स्कूल में कभी किसी से न झगड़ा किया न लड़ाई की जब मैं चौदह वर्ष की हो गई तब ज्ञान में आई थी उस समय मैट्रिक में पढ़ती थी मैंने जिंदगी में अंदर जाकर सिनेमा हॉल देखा तक नहीं है लौकिक पिताजी स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य थे जब पिताजी उनके पास जाते थे तो मुझे भी साथ में ले चलते थे गंगेशवरानंद जी ज्योतिष भी जानते थे और मेरे पिताजी से कहा करते थे कि तुम्हारी बेटी शादी नहीं करेगी और मीरा बनेगी मुझे बचपन से ही खाने पीने का देखने पहनने का शौक नहीं था मुझे याद नहीं है कि मैंने मम्मी से कभी कहा हो कि मुझे ऐसा ऐसा फ्रॉक चाहिए कपड़े आदि चाहिए अथवा आज यह खाने का दिल हो रहा है यह बना कभी नहीं छोटेपन से ही मेरे मेरे फेवरेट स्लोगन थे कि मांगने से मरना भला इच्छा रखना अज्ञान है मैं सोचती थी कि गोपी की गोपियां थोड़ी थोड़ी ही इच्छा रखती थी तो गोपियां थोड़ी ही इच्छा रखती थी मीरा थोड़ी ही इच्छा रखती थी वे नहीं रखती थी तो मैं क्यों रखू हाँ मुझे एक इच्छा जरूर थी कि मैं कृष्ण का दीदार करूं या विष्णु का दीदार करूं मुझे यही मन में लगन रहती थी कब भगवान विष्णु के दर्शन होंगे कब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे? उस समय तो इनको ही भगवान मानते थे ना? सन 1937 में जब मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी तो सब विषय इतिहास भूगोल गणित विज्ञान आदि अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाते थे उसी स्कूल में मम्मा भी पढ़ती थी मैं और मम्मा एक ही बेंच पर बैठते थे मम्मा के साथ क्लास फेलो के नाते मित्रता थी बाकी उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी मम्मा बहुत स्वीट थी लंबे लंबे बाल सुंदर रूप था मुझे तो मम्मा बहुत अच्छी लगती थी उस समय भी दशहरा और दीपावली के दिनों में तीन सप्ताह की छुट्टियां मिलती थी हम उन छुट्टियों में मंदिरों और सत्संगों में जाया करते थे सवेरे सवेरे दिवाली के समय हैदराबाद में ठंडी पड़ती थी एक बार मैं सोई हुई थी सपने में मुझे सामने एक सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा उस बगीचे में चारों तरफ लाइट ही लाइट थी लाइट भी बहुत सुंदर थी दूर दूर तक बड़े बड़े फूल फल लगे हुए थे उस बगीचे में पहले लाइट आई उसी लाइट के बीच से छोटा सा श्री कृष्ण बहुत दूर से बंसी लेकर नाश्ता नाश्ता मेरे पास आया जब वह मेरे समीप आया तो मुझे बहुत खुशी हुई वह और नजदीक आया यह देखकर और खुशी हुई मैं उसको देखती रही और बहुत खुश होती रही देखते देखते ही श्री कृष्ण के पीछे एक सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता आया छोटेपन में सत्यनारायण की कथा में सुनते थे कि भगवान बूढ़े के वेश में आता है जब श्री कृष्ण के पीछे यह फरिश्ता देखा तो मुझे लगा कि मैं भगवान सत्यनारायण को देख रही हूं मैं कभी श्री कृष्ण को देखू कभी उस बूढ़े तनधारी फरिश्ते को देखू दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते थे इतने में मैं जाग गई मुझे बहुत खुशी हुई सुना था कि अगर भगवान का दीदार होता है तो किसी को नहीं सुनाना चाहिए जैसे गूंगा मिठाई खाता है तो उसको बता नहीं सकता अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता रहता है उसी प्रकार भगवान का दीदार करने वाले को भी किसी को बताना नहीं चाहिए बताया तो फिर भगवान उसके पास नहीं आएगा इसलिए मैंने भी किसी को नहीं बताया मम्मी को भी नहीं बताया लेकिन दोबारा भगवान आया नहीं फिर मैंने कोठी में जाकर श्री कृष्ण की माला फेरी मंदिर गई और कहा हे hey, श्री कृष्ण आओ वो आए नहीं ऐसे करके दो तीन दिन बीत गए मेरी एक क्लास फेलो ओम मंडली में जाती थी एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम भी मेरे साथ वहां आओ मैंने कहा ठीक है एक दिन उसके घर पर गई जब मैं वहां गई तो वह मेरी सहेली ध्यान में गई हुई थी और आंसू बह रहे थे उसका नाम लीला था मैं आवाज देती रही लीला लीला वह कुछ सुने नहीं अपनी ही धुन में अपने आप मुस्कुराती थी हाथ ऊपर करती रहती थी मुझे कोई जवाब नहीं देती थी मैंने उसकी मम्मी से कहा मुझे लीला ने बुलाया था लेकिन न बोलती है न आंखें खोलती है जवाब भी नहीं देती है मैं जाती हूं उसकी मम्मी ने कहा बेटी मुझे पता नहीं इसको क्या हुआ है जब भी देखो ध्यान में बैठी रहती है दो तीन दिन से इसकी वह यह अवस्था है उसकी यह अवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी मैं जा रही थी तो उतने में ही वह ध्यान से जागी और मुझे देखकर कहने लगी रमा चलो मैं तुमको श्री कृष्ण का दीदार करा दूंगी दादी जी का नाम रमा था तो बाबा ने उनका नाम प्रकाशवनी दिया था तो मैंने कहा श्री कृष्ण का दीदार कराना क्या मासी का घर है मैं इतनी पूजा भक्ति करती हूँ मुझे ही नहीं होता तो तुम क्या मुझे दीदार कराओगी फिर लीला ने कहा अभी शाम हो गई है कल सुबह दस बजे चलेंगे सत्संग में ज्यादातर माताएं ही आती थी इसलिए बाबा सुबह दस बजे सत्संग आरंभ करते थे फिर मैं घर गई बाबा ने शुरू शुरू में भाऊ के घर में सत्संग आरंभ किया था दादा विश्वकिशोर उनको भाव कहते थे वो ब्रह्मा बाबा के घर तो के, के पास ही था भाव विश्व किशोर बाबा का भतीजा था बाबा ने पहले पहले सत्संग अपने भाई के घर में किया न कि अपने घर में हम लोग घर से बाहर कहीं भी जाते थे तो माँ बाप की छुट्टी लेकर ही जाते थे उसी रात को मेरे लौकिक पिताजी ने कहा बेटी अभी तो तुम्हारी छुट्टियां हैं दादा सत्संग कराता है वहां ओम की ध्वनि लगाते हैं और गीता सुनाते हैं जाओ तुम भी सत्संग करो तब मैंने भी कहा पापा मेरी सहेली भी यह कह रही थी कि वहां श्री कृष्ण का दीदार होता है तुम भी चलो पिताजी ने कहा ठीक है बच्ची तुम जरूर जाओ अगले दिन मैं अपनी सहेली लीला के पास गई और वहां से उसके साथ सत्संग में गई जब हम बाबा के पास पहुंची उस समय बाबा ओम की ध्वनि लगा रहा था। वो ध्वनि बहुत अच्छी थी। जाते ही मेरी दृष्टि बाबा के पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मस्तक से कोई लाइट निकल रही है उस समय मुझे पता नहीं था कि शिव बाबा कौन है ब्रह्मा बाबा कौन है मुझे याद आया कि तीन से चार दिन पहले स्वप्न में श्री कृष्ण के साथ सफेद वस्त्र वाले सत्यनारायण भगवान को देखा था यह दादा भी वैसे ही हैं यह मेरे स्वप्न में क्यों आए थे यह कौन है यह बाबा सत्यनारायण भगवान है क्या ऐसे सोचते सोचते बाबा को देखती रही ऐसे देखते देखते ओम की ध्वनि हुई तो मैं ध्यान में चली गई वही श्री कृष्ण वही शाही बगीचा वही सत्यनारायण भगवान जिनको स्वप्न में देखा था उन्हें फिर ध्यान में भी देखा मैं कितने समय ध्यान में गई मुझे पता नहीं क्योंकि जब मैं ध्यान से उतरी तब सत्संग पूरा हो चुका था सब उठकर चले गए थे किसी ने मुझे उठाया देखा तो अकेली थी लज्जा भी आ गई उस समय अभी ध्यान के नशे में ही थी बाबा कमरे में बैठे थे उन्होंने मुझे बुलाया आओ बच्ची आओ जब बाबा को देख रही थी तो कभी श्री कृष्ण कभी सत्यनारायण भगवान दिखाई पड़े घर आने के बाद भी वही सत्यनारायण भगवान और श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे रात रात नींद नहीं आती थी उसी ध्यान के नशे में रहती थी न खाती थी न पीती थी माँ घबरा गई कि बेटी को क्या हो गया मुझे ध्यान में अच्छा लगता था छत पर जाकर बैठ जाती थी ध्यान में जाकर श्री कृष्ण को देखती थी स्वर्ग को देखती थी सत्यनारायण भगवान को देखती थी गोप गोपियों का नृत्य देखती थी लगन बढ़ती गई पापा भी सोचने लगे कि बच्ची को क्या हो गया मैं कहती रही कुछ नहीं कुछ नहीं सब ठीक है उतने में दिवाली आई दिवाली की छुट्टियां पूरी हुई स्कूल में जाना पड़ा स्कूल में तो जाती थी लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था फिर भी जाना पड़ा जब मैं स्कूल गई तो वहां मम्मा से मुलाकात हुई मैंने मम्मा से कहा राधे आप भी सत्संग में चलो वहां दादा बहुत अच्छा गीता पाठ करते हैं मम्मा उससे पहले एक बार गई थी फिर दोनों ने पक्का किया कि रोज सत्संग में जाना है मैंने पापा से कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी पापा आग दिखाने लगे कि क्यों नहीं जाएगी मैंने कहा मुझे यह पढ़ाई नहीं पढ़नी है मुझे ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है मुझे श्री कृष्ण और राधा के साथ गोपी बन के रास खेलना है मुझे तो योगिन बनना है फिर पापा ने कहा कि ठीक है बच्ची तुम्हें जो पसंद है हमें भी वही पसंद है बड़ी दादी मनमोहिनी बड़ी दीदी मनमोहिनी सत्संग में हमसे पहले से ही जाती थी दीदी लौकिक में मेरी चाची चाची थी। थी। दीदी मनमोहिनी, दादी जी की चाची थी। आनंद किशोर दादा लौकिक में चचेरा भाई लगता था ये सब सत्संग में जाते थे मैं दीदी के साथ आती थी तो मेरे पापा और मम्मी भी कुछ नहीं कहते थे बाद में बाबा ने मुझे भाषण करना गीता गाना गीत गाना कोर्स कराना श्लोक बोलना आदि सिखाया दुनिया की कोई बात याद नहीं रही इससे पहले की एक घटना मुझे याद आती है एक दिन हम तीन सखिया सत्संग में जा रही थी उस समय हमने रंगीन कपड़े पहने थे और चेन आदि कुछ जेवर भी पहने थे बाबा का घर बाजार के बीचों बीच था घर नीचे से बहुत बड़ा था ऊपर एक ही कोठी थी जहां बाबा अकेले रहते थे जब हम बाजार से होकर सत्संग के लिए बाबा के मकान में जा रहे थे तो बाबा ने ऊपर से हमें देखा और संदेश भेजा कि बच्चों को ऊपर आने के लिए कहो हम घबरा गए कि बाबा हमें ऊपर क्यों बुला रहे हैं हम गए तो बाबा ने पूछा बच्ची तुमको कोट पैंट वाले से शादी करनी है या पीतांबर से शादी करनी है हमें तो यह प्रश्न समझ में ही नहीं आया क्योंकि कोट पैंट क्या होता है और पीताम्बर क्या होता है यह भी पता नहीं था यह भी हमें आश्चर्य लगा कि बाबा शादी की बात क्यों कर रहा है फिर बाबा ने पूछा बोलो बच्ची तुमको श्री कृष्ण से शादी करनी है या कोई लड़के से शादी करनी है मैंने कहा बाबा मैं तो श्री कृष्ण कृष्ण से शादी कर चुकी हूँ और किसी से शादी करने की बात ही नहीं फिर बाबा ने कहा अगर श्री कृष्ण से शादी की है तो ये रंगीन कपड़े और जेवर क्यों पहने हुए हो उस दिन के बाद आज तक मैंने न जेवर पहने न रंगीन कपड़े पहने उस समय हमें ज्ञान की बहुत मस्ती चढ़ी थी फिर अप्रैल मई मास में मम्मा को ओम मंडली की जिम्मेवारी देकर बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए सोचो ये मम्मा पंद्रह साल की थी हाँ ये लोग चौदह पंद्रह साल के थे जब बाबा के पास आए हैं तो पंद्रह साल में मम्मा को पूरी जिम्मेवारी देकर बाबा कश्मीर गए वहां से बाबा ने मम्मा को पत्र लिखा कि ओम राधे हैदराबाद में स्कूल बन रहा है और सत्संग में आने वाली माताओं के के बच्चे और बच्चियों लिए जब तक तुम भी बोर्डिंग नहीं बनाओगी तब तक मैं हैदराबाद नहीं आऊंगा बाबा ने जाते समय कहा था कि मैं एक मास के लिए कश्मीर जा रहा हूं लेकिन तीन मास तक बाबा वहां रुक गए हम सब बच्चे दिन रात रोते रहे कि कहाँ गए मोहरे गिरधर गोपाल हम तो पागल से बन गए थे सब बाबा बाबा कहकर तड़प रहे थे कई मास तक हम जब भी बाबा को देखते थे तो बाबा श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे कई मास तक मुझे भी श्री कृष्ण ही दिखाई पड़े मेरी आंखों में कृष्ण ही रहता था मम्मा ने बहुत मेहनत करके स्कूल बनवाया उसके लिए एक मीटिंग और कमेटी बनाई गई मीटिंग में तय हुआ कि दादी अर्थात मैं उसको निमित बन संभालूं यह सब होने के बाद मम्मा ने बाबा को पत्र लिखा तो बाबा हैदराबाद आए सन 1937 में बाबा ने बाकायदा स्कूल का उद्घाटन किया उस समय सत्संग में हरेक के नाम से पहले ओम शब्द लगाते थे जैसे ओम बाबा ओम राधे ओम रमा ओम गोपी इत्यादि तो तो ओम मना मैं आत्मा, तो आ, वो आत्मा राइट? वो की अवेयरनेस के लिए लगाते थे तो पचास के करीब बच्चे बच्चियां थी उस समय मेरी उम्र थी पंद्रह साल पढ़ाती थी दस साल वालों को बाबा हमें सब कुछ पहले सिखाते थे कि कैसे पाठ लेसन पाठ तैयार करना है खुद बाबा कविता और गीत लिख कर देते थे और कैसे पढ़ाना है यह भी सिखाते थे बच्चों को कैसे उठाना नहाना खिलाना पढ़ाना और सुलाना बाबा ने सब हमें सिखाया उसके बाद बाबा ने चार माताओं और चार कन्याओं सहित आठ की एक कमेटी बनाई उसमें बाबा ने अपने किसी भी लौकिक संबंधी का नाम नहीं डाला दीदी मनमोहिनी रुक्मणी दादी रूप मना मम्मा की लौकिक मामी महेंद्र और चार कन्याओं में मम्मा मैं शांतामणि और सुंदरी बहन बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इन माता और कन्याओं की कमेटी को विल कर दी मेरे में बचपन से ही रुसना रोना लड़ना झगड़ना चोरी करना माँ बाप की बातों का उल्लंघन करना बड़ों को जवाब देना अहंकार दिखाना कुछ भी नहीं था इसलिए बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे कभी भी बाबा ने मुझे ना आग दिखाई ना डांटा न पूछा कि बच्ची तुमने ऐसा क्यों किया कभी नहीं बाबा मुझे बहुत प्यार भी करते थे और इज्जत भी देते थे बाबा जब हैदराबाद में हमारे साथ रहते थे तो बीच बीच में चतुराई करते थे हैदराबाद से कराची रेल में तीन घंटे का सफर था रात दो बजे ट्रेन जाती थी बाबा उस ट्रेन में कराची चले जाते थे हम सुबह उठकर देखते तो बाबा गायब सब तड़पने लगते थे कि कहाँ गया कहां गयो मोरा कहां गयो मोरा गिरधर, ओ गंगा ओ जमुना कहाँ गयो मेरा श्याम बाबा वहां जाकर पत्र लिखते थे कि मैं दो दिन रहकर आऊंगा फिर भारत का विभाजन हुआ तो बाद में हम सब अबू आ गए अच्छा, ओम शांति